क्लास, अब देखो ये चैप्टर क्या है भाई। चैप्टर एट पे आ जाइए आप लोग। सोशल स्टडीज़ बुक है, चैप्टर एट ओपन करिए। क्या है ये? ये है फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस। भाई इंडिया इज़ अ वैरायटी ऑफ इंडिया हैज़ वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स। बहुत तरह के फेस्टिवल्स हम लोग के पास हैं, हम लोग मनाते हैं। चाहे नेशनल फेस्टिवल्स हो गए, या रिलीजियस फेस्टिवल्स हो गए, या हार्वेस्ट फेस्टिवल हो गए। तो नेशनल फेस्टिवल तो आपको पता है तीन ही हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला नेशनल फेस्टिवल है आपका रिपब्लिक डे, 26 जनवरी एकदम शुरू शुरू में आता है साल के। क्यों मनाते हैं रिपब्लिक डे? आपको ये भी पता है, रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी 1950 में हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, अमेंड हुआ था हमारे, सॉरी मतलब क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था लागू होना, मतलब लॉज हम अपने कंट्री के मानने लगे थे। ठीक, इस दिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, ये भी आपको पता है। आप देखते होंगे टीवी वगैरह में रिपब्लिक डे के दिन राजपथ पे बहुत अच्छी, जो न्यू दिल्ली में है राजपथ, उस पे बहुत कलरफुल परेड होती है। बहुत सारे बच्चे स्कूल्स के या डांस वगैरह परफॉर्मेंसेज होती हैं, आर्मी की परेड होती है, मतलब खूब बढ़िया माहौल उस दिन पूरा दिन रहता है। फ्लैग होस्टिंग भी होती है। ठीक, ऐसे ही आप देख लो 26 जनवरी के बाद आता है 15 अगस्त। 15 अगस्त को भी आपको पता है क्या हुआ था, हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, हम लोग आज़ाद हुए थे ब्रिटिशर्स के जुल्म से, ब्रिटिशर्स की गुलामी से। हम लोग 1947 में 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे। तो इंडिया जो है कि उसके लिए पार्टी मनाता है, अपना जो है कि फ्रीडम की जो है कि खुशी मनाता है। ठीक, इस दिन क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्ट करते हैं, कहाँ पे? रेड फोर्ट में जाके। ठीक है, रेड फोर्ट पे जाके अपना झंडा फहराते हैं, हम लोग फ्रीडम स्पीच देते हैं, हम लोग जो है कि अपने बलिदान की, जो भी जिन्होंने भी आज़ादी के लिए बलिदान दिया है उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट और जो है वो है महात्मा गांधी जी का बर्थडे, जो कि 2 अक्टूबर को पड़ता है ना, 2 अक्टूबर अभी रिसेंटली बीता है। 2 अक्टूबर बापू जी का जन्मदिन, जिसको हम लोग मतलब हम लोग बापू भी कहते हैं, इसीलिए इनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। इनकी समाधि जो कि राजघाट पे है, वहाँ पे जा कर के लोग फूल वगैरह, बड़े बड़े लोग मतलब हम लोग नहीं जा पाते हैं, बाकी लोग हम लोग घर में ही स्कूल में ही जो है देखोगे, आप फ़ोटो देखे ही होगी स्टेटस पे लगाए थे सर ने भी मैंने भी, कि फ़ोटो को जा कर के हार चढ़ाते हैं, हम लोग फूल चढ़ाते हैं, उनका नमन करते हैं, उनकी आत्मा के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग जो है कि प्रार्थना करते हैं। ठीक है, और क्योंकि भाई पता ही है गांधी जी ने अपने अथक प्रयासों से इंडिया को, और नॉन वायलेंस और ट्रूथ और पीस के टीचिंग से इंडिया को जो है आज़ाद कराया था। ठीक, अब आते हैं हम लोग रिलीजियस फेस्टिवल पे। तो रिलीजियस फेस्टिवल कब से शुरू होता है? देखो वो तो हमारे यहाँ दिन भर, हर साल, हर महीने होता रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया जा रहा है, जैसे होली। ठीक, होली कलर ऑफ फेस्टिवल ऑफ कलर मानी जाती है। इस दिन जो है कि हम लोग एक दूसरे को कलर लगाते हैं, सुबह से ही शुरू हो जाती है होली, गुलाल और भाई रंग, आजकल तो केमिकल वाले रंग भी चल रहे हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग पानी वगैरह में इसको मिला करके और खूब होली खेलते हैं, अपने बड़ों के साथ, छोटों के साथ, अपने साथ वालों के साथ, सब खूब होली खेलते हैं, खूब एक दूसरे को रंग लगाते हैं। फिर उसके बाद 2 घंटा बैठ के रगड़ रगड़ के छुड़ाते हैं, साफ साबुन ख़त्म कर देते हैं। अगर साबुन ऐसे तो दिन भर हर साल में रोज डब लगाते हैं, उस दिन रिन साबुन से नहाते हैं कि जल्दी जो है कि कलर छूटे। ठीक है ना, है ना? तो भाई उस दिन हम लोग ऐसा करते हैं, होली मनाते हैं, खूब होली खेलते हैं। ठीक, उसके बाद देखो क्या आता है, एक और फेस्टिवल के बारे में दिया है, दिवाली। दिवाली तो आने वाली है, सबको दिवाली के बारे में पता है। दिवाली में क्या होता है बताओ? फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं इसको, इस दिन हम लोग दिया जलाते हैं, घर में साफ़ सफाई 3 दिन से चालू हो जाती है, मम्मी मार मार के सफाई करवाती है। फिर सफाई करने के बाद क्या करते हैं, खूब सफाई करने के बाद घर को सजाते हैं, खूब बढ़िया से लाइटिंग लगाते हैं, बाहर झालर वालर लगता है, दिया हुआ सजाते हैं, और उसके बाद दिया जलाते हैं। शाम को लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, लड्डू बटता है, लड्डू खाते हैं, है ना, नए नए कपड़े पहन के घूमने भी जाते हैं। होली में भी तो जाते हो ना घूमने, होली में भी नए कपड़े पहन के शाम को मिलने जाते हैं, और दिवाली में मिलने नहीं जाते हैं, अपने घर पे छत पे पटाखा वगैरह जलाते हैं दिवाली के दिन। ठीक, अच्छा, और देखिए फिर आता है दशहरा, जो कि बस एकदम आ गया है दशहरा, या दशहरा चल रहा है। ठीक, इसमें माना जाता है कि लॉर्ड राम जो है अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए थे अयोध्या, इसलिए जो है कि दशहरा मनाया जाता है। ठीक है, रामलीलाएँ वगैरह होती हैं पूरे नवरात्र भर, और दशहरा का सेलिब्रेशन होता है रावण दहन से, खूब धूमधाम से हम लोग मनाते हैं दशहरा। ठीक, अच्छा,
अब उसके बाद एक और फेस्टिवल दिया है गुरु पर्व के नाम से। गुरु पर्व क्या होता है भाई, इसमें ये सिखों का फेस्टिवल है, इसको फेस्टिवल ऑफ गुरु कहा जाता है। इस दिन लंगर लगता है, सब लोग जो है कि लंगर में जाते हैं, लंगर में खाना खाते हैं और दूसरों को सर्व करते हैं खाना, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं लोग, खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लंगर का खाना सुना गया है बहुत टेस्टी होता है और लंगर में काम करने पे बहुत सुख मिलता है, पाप कटते हैं, ठीक है। बड़े बड़े लोग जो है लंगर में आते हैं और दूसरों का बर्तन जूठा उठाते हैं, धोते हैं, लोग खाना सर्व करते हैं, ठीक। अब आता है ईद उल फितर, ये भी बहुत अच्छा त्यौहार है, कितना बढ़िया है फेस्टिवल है। यहाँ पे सभी लोग भाई खूब शॉपिंग होती है, इसमें खूब शॉपिंग होती है। पहले तो एक महीना बेचारा सब लोग को व्रत रहना पड़ता है बिना पानी के, ठीक है, एक महीने सुबह से शाम तक बिना पानी के रहना पड़ता है। फिर शाम को थोड़ा बहुत जो खा लिए पानी पी लिए, फिर सुबह से शाम व्रत रहते हैं, सब लोग फास्ट रहते हैं, रोज़ा जिसको कहते हैं, रोज़ा रहते हैं। एक महीने की तपस्या के बाद, कड़ी मेहनत के बाद फिर हम लोगों को ईद मनाने का मौका मिलता है। तो उसके एक हफ्ते दो हफ्ते पहले से खूब शॉपिंग शुरू हो जाती है, नए नए कपड़े, टोपियाँ, जूते, मोज़े, सब नए नए चीज़ें हम लोग ख़रीदते हैं, ठीक है। और बड़े लोग बच्चों को ईदी देते हैं, पैसे देते हैं, जाओ घूमाओ खेलाओ, या गिफ्ट्स देते हैं ईदी के बदले, ठीक। और घर में क्या बनती है, सेवइयाँ बनती हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद हम सभी लोग क्या करते हैं, गले मिलते हैं एक दूसरे के, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं और सेवइयाँ खाते हैं मीठी मीठी, है ना, ठीक। तो ये जो है कि ईद में बहुत सारी खुशियाँ भी हम लोग मनाते हैं। फिर आते हैं क्रिसमस पे। क्रिसमस क्या है, ये क्रिश्चियंस का त्यौहार है, क्रिश्चियंस लोग क्रिसमस ज़्यादा मनाते हैं। ऐसे तो पूरी कंट्री आज सारे त्यौहार मनाती है, वैसे भी हमारी कंट्री इतनी अच्छी है कि हर त्यौहार को रिस्पेक्ट देती है, ठीक। तो अब देखो लॉर्ड जीसस जो हैं उनके बर्थ पे क्रिसमस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, ठीक है। बड़ा दिन भी इसको कहा जाता है, क्रिसमस के पहले रात में, मतलब क्रिसमस ईव पे सब लोग क्या करते हैं, अपने घर को खूब अच्छे से सजाते हैं, क्रिसमस ट्री वगैरह बनाते हैं, उसको खूब अच्छे से डेकोरेट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सेंटा क्लॉज आता है, बच्चों को गिफ्ट्स देता है, है ना, ठीक है। खूब हैप्पीनेस का ये माहौल होता है, इस दिन लोग डांस करते हैं, पार्टी करते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, केक काटते हैं, केक खाते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन को ये फेस्टिवल बहुत पसंद है। अब आता है अगला, हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट मतलब जहाँ पे, मतलब क्रॉप्स के लिए, क्रॉप जब रिप हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो उनको काटा जाता है, हार्वेस्टिंग की जाती है, तो उस समय जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं उन्हीं को हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। जैसे बैसाखी हरियाणा में मनाया जाता है बहुत ज़्यादा, पंजाब हरियाणा में, ठीक है। इसमें लोग भांगड़ा करते हैं, गिद्दा करते हैं, ठीक है। बिहू आसाम में मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी लोग जो है कि बोनफायर के आगे बैठ जाते हैं और डांसिंग और सेलिब्रेशन होने लगता है, खूब गाने गाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, बिहू डांस करते हैं, ठीक। ओनम, ओनम कहाँ मनाया जाता है, केरला में मनाया जाता है। ये सेलिब्रेट किया जाता है किस लिए, किंग महाबली के ऑनर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये बहुत फेमस फेस्टिवल है केरला का, ठीक। इसमें बोट रेस होती है, स्नेक बोट रेस होती है, जो कि मतलब बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बड़ी अच्छी लगती है देखने में, बहुत मज़ा आता है, ठीक। फिर इसमें हम लोग एक चीज़ स्पेशल डिश खाते हैं जिसका नाम ओमन सद्या है, ठीक है। अच्छा, पोंगल, पोंगल भी एक डिश होती है, डिश का भी नाम है, हार्वेस्ट फेस्टिवल का भी नाम है, यही जो मीठी खीर एक तरीके से कह लो हम लोग खाते हैं यहाँ पे, ठीक। तमिलनाडु के लोग ज़्यादा मनाते हैं इसको, ठीक है। गॉड के वर्शिप में, सन गॉड के वर्शिप में मनाया जाता है इसको, ठीक है। और बता रहा है कि फीड द पोंगल राइस इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, द फेस्टिवल इज कॉल्ड संक्रांति फेस्टिवल। इस फेस्टिवल को, ओनम, पोंगल को लोग क्या कहते हैं, संक्रांति भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे आइए देखें और क्या क्या दिया है भाई। अब कुछ बर्थडेज बताएं जो कि इंपॉर्टेंट लोग के बर्थडेज हैं। जैसे टीचर्स डे मनाते हैं, कब मनाते हैं टीचर्स डे, 5 सितंबर को। क्यों मनाते हैं टीचर्स डे 5 सितंबर को, सब लोग पैसे कलेक्ट करते हो, केक कटवाते हो, हम लोग को पेन वगैरह देते हो, क्यों मनाते हो 5 सितंबर को ही टीचर्स डे क्यों मनाते हो? क्योंकि बेटा हमारे जो सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, देखो इनकी फ़ोटो भी बनी हुई है या दे दी हुई है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हमारे सेकेंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के। इन्होंने जो है कि बहुत अच्छे टीचर थे, पहले टीचर थे बाद में प्रेसिडेंट हुए और बहुत अच्छे टीचर थे, तो इन्हीं के बर्थडे पे बच्चे इनको बहुत मानते थे, इसीलिए इन्हीं के बर्थडे पे लोग टीचर्स डे की तरह से मनाते हैं। अब उसके बाद चिल्ड्रंस डे भी आता है ना, बच्चों का दिन,
14 नवंबर, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे आने ही वाला, इस दिन तो दिवाली भी है इस बार। इस दिन क्या हुआ था, क्यों 14 नवंबर को ही चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसी दिन जन्म लिए थे और ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे इंडिया के। प्लस इन्हें बच्चे बहुत प्यार करते थे और ये भी बच्चों को बहुत प्यार करते थे। ये बच्चों को प्यार से बच्चे इनको क्या कहते थे, चाचा नेहरू कहते थे। ठीक, तो ये जो है कि इसीलिए इनके बर्थडे पे हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा क्या है, लॉर्ड बुद्ध के बर्थडे पे हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। ठीक है, लॉर्ड बुद्ध के टेंपल में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, ठीक है, पुअर्स को गिफ्ट देते हैं, काइंडनेस पीस का ये त्यौहार होता है। ठीक, महावीर जयंती भी आती है ना, तो ये महावीर, लॉर्ड महावीर जो थे उनकी बर्थ पे महावीर जयंती मनाते हैं। स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड महावीरा आर बाथड, बाथ के उनकी तस्वीर वगैरह को नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, उनको तैयार किया जाता है अच्छे से। ठीक है, और लोग इसमें भी खूब सेलिब्रेट करते हैं, खूब बढ़िया से जो है कि जो भी लोग महावीर जी को फॉलो करते हैं उनकी खूब जो है कि आराधना और उनके लिए जो है खूब कामना की जाती है। क्लियर, यही था बेटा चैप्टर आपका। अब इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर फटाफट लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।